राष्ट्र सर्वोपरि है, मोदी मोदी मोदी, चाहे चाहे यहाँ पेट्रोल 500 रुपए लीटर हो जाए, वोट मोदी की है। वोट दे यही साहब अखिलेश को, अखिलेश की। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, इस सरकार में कुछ नहीं मिला है, घाटा ही घाटा गया है। रोजगार नहीं मिला, रोजगार नहीं मिला, कुछ कुछ नौकरी नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नौकरी। हाँ जी, वोट दी जाएगी अखिलेश को, ठोक के दी जाएगी और उसके संग लिया जाएगा। कुछ नहीं है, इस सरकार से क्या कुछ फायदा मिला ही नहीं है, कुछ नहीं, रोजगार नहीं है, बिल्कुल रोजगार नहीं। अब देखो बाजर करो कुछ ना, ये भाई पाए हमको अखिलेश के दीवाने, अखिलेश की आवे की आएगी सरकार योगी की भाई। हाँ बस पार आलो, सब चोर हैं साले, घोटाले और सब चोर हैं। आएगी योगी, आएगी योगी की सरकार, वोट योगी के लिए ये सब। अच्छा, महंगाई कितनी, कुछ भी जनता कह ले, बटन पर सब देंगे कमल पे ही। अच्छा, महंगाई तो रहेगी, कोई ना रोक सके महंगाई। कागजों को धरातल पर नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं, कहे कछु करे कछु। अब की बार क्या लगता है आपको, आएगी तो बीजेपी, आएगी बीजेपी। अखिलेश जी बढ़िया काम किए थे, अखिलेश जी ने अपने समय में, और क्या हमारे यहाँ से तो अखिलेश जी, अखिलेश जी। हाँ जी, और लोगों ने बदनाम कर दिया उसको, अखिलेश वास्तव में नेता थे, गजब के नेता थे। अखिलेश के मुकाबले नेता किसी पार्टी में है नहीं, साफ कहने वाले, बढ़िया। लेकिन वो तो अब कैसे मानो, अब की बार यहाँ पर हल्ला बोल किसका रहेगा, अखिलेश योगी, मैं बताऊं, मायावती। हम किसान आदमी, हम कोई आंकड़े तुमको बहुत दिन फिटोंगे, जाके हम पे आंकड़े फिटना है, क्या बाकी कोई किसी का बुराई कर ले, वोट भाजपा को जाएंगे, वोट भाजपा को जाएंगे, वोट किसी को कछु कर लियो, पर वोट बीजेपी की जाएगा। मोदी आएगा और मोदी मोदी आएगा, मोदी चाहे तुम काऊ मोल लगा लो, मोदी की वोट जा रही है साथ साथ। भैया ने की पहुंचा दी भाई, महंगाई यानी डाउन कर दे किसान की, बड़े आजीवन कर खूब डीजल पेट्रोल सस्ता कर दे, मोदी जिंदगी में कोई ना हटा, डीजल पेट्रोल से काम चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा भाई, चल जाएगा। किसानों के लिए जो दुगनी आय का वादा किया था, एक बाप करेगा सब मिल जाएगी दुगनी आय, इनको बाप उन्हें करेगा दुगनी आय, सस्ती कर दो, ये तो झूठे आश्वासन है कोरो। अच्छा हाँ, ये हमें ना चाहिए हमारा दुगनो, हमें तो डीजल और पेट्रोल सस्ता कर दे 30-40 पे, हम अपने आप कर लेंगे, दुगनी बनेगी डीजल पेट्रोल। इन भंगी चोरे ये अधिकारी जे FCI बोले का बोले, इनने सबन ने हटा दो, सबन ने जेल में सड़ा दियो, प्रूफ आते हैं हमारे पास, समझे। इनके लेबी के गेहूं के कट्टा तो मंडी में तुलते देखे, और हमने दो दो तीन तीन पोर मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत करी है, माइंड के माइंड लिख के भेजे, इनका काम हो गया है, और आज तक 100 ग्राम गेहूँ ना लिए इनने। योगी मोदी से कोई नफरत नहीं, अधिकारियों से नफरत है, नफरत अधिकारी सिस्टम से। और बिल्कुल सुनो, योगी मोदी, योगी डीजल और पेट्रोल फिर सस्ता कर दे तो वोट आ जाएंगी, और नहीं साहब भाजपा को तुलाई ना दे रहे, हमारे अजदाता ना है, मेहनत कर रहे तो खा रहे, मोदी घर में डाल बिना यार, बिल्कुल वोट भाजपा को जाएंगी तो ठीक है, समझे, भाजपा को जाएंगी सही है, लेकिन उनका भी उत्तरदायित्व बनता है जनता को उचित खुश करे, उनकी समस्याओं को सुने, उनकी समस्याओं पे अमल करे, महंगाई ये डाउन कर दे। हाँ भाई, यही जनता परेशान है महंगाई। मोदी एक मतलब मोटरसाइकिल भेज रहे हैं हम घर पे। अच्छा, और क्या मोदी करो, कहाँ से सुना था? अब साहब हमें तो देखो प्रचार सुनो, कौन सा प्रचार, मोबाइल पे आ रहा था एक एक मोबाइल पे देखा था भाई साहब, भैया हमें तो मोबाइल पे ही देखो, यहीं पे गांठ वाली में, और क्या पहुँच गयी। अब मतलब मोटरसाइकिल की कह रहे हैं मोदी जी, सुन रहे हैं, सुंदर बेटा मोटरसाइकिल का मीडियम का 15 तारीख को बताओ, टिकाऊ सरकार बीजेपी यही है, सपा बसपा रालोद ये सब गठबंधन करेंगे फिर टूटेंगे बाद में, और मोदी और योगी सरकार टिकाऊ सरकार है, योगी सरकार टिकाऊ सरकार। अच्छा जी, खूब विकास हुआ है, ये टूटेंगे रोड सड़क, और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा बात तो ये है कि उत्तर प्रदेश से गुंडा राज बिल्कुल खत्म, गुंडा है ही नहीं, लंगड़ा कर दे सारे गोली मार के पाम में, पता नहीं। हाँ, कह रखी है जो यूपी में, जो यूपी में बदमाशी कर रहे हैं वो आज सरेंडर करके ये सोच रहे हैं कि मतलब यूपी से बाहर किसी अदर स्टेट में जाके हमें जेल में शरण मिल जाए, इतना खौफनाक है आज यूपी के अंदर बदमाश। और नहीं, एक टाइम ऐसा था गरीब दिहाड़ी गरीब की दिहाड़ी को घर तक नहीं पहुंचने देते थे, ये हालत थी मुलायम सिंह सरकार में, मायावती सरकार में। लेकिन अब आदमी रात के 10 बजे हो, 11 बज रहे हो, 12 1 बजे बड़े आराम से जा सकता है। और महिला सुरक्षा जी, महिला सुरक्षा के बारे में आप देख लो, आज महिला कितनी सुरक्षित है, ठीक है।
और रही योजना की बात, दुनिया भर की योजना दी है कौन सी सरकार ने, उज्जवल योजना है, शौचालय घर घर में बनवा दिए, क्या नहीं कर दिया कैसे जी? देखो पूरी योजना तो सरकार पर कोई सफल ना है रही, किसान के लिए इतना होना चाहिए कि उसकी दोगुनी आय तो, देखो अनाजों के भाव बढ़ने चाहिए और ये डीजल पेट्रोल महंगाई रोकनी चाहिए, कपड़ा लगता है कि महंगाई तो हम देख लेंगे सर, कम फाल लेंगे, कम पहन लेंगे, लेकिन ये अनाज तेज होना चाहिए। भाई साहब बारिश बाजरों बिक रहे हो, क्या मिलेगा अनाज? सरसों 9,000 है, तेल सरसों में निकलता है, किसमें निकलता है? सरसों 9,000 है। अरे सुनो, सब तेल 200 रुपए किलो हो गया, लीटर हो गया, तो जो कहते महंगाई हो गई। सुनो तो ये किसान भी तो सुनो, एक किसान पे 2 क्विंटल लाभ है साहब, सुनो 2 क्विंटल लाभ है और 1 क्विंटल तो पिरवाली वाने, और 1 क्विंटल में क्या कर लेगा वो साहब, क्या कर लेगा वो? 1 क्विंटल पिरवाली वाने और 1 क्विंटल में क्या कर लेगा? 9,000 का 10,000 है जा, हर चीज का भाव होना चाहिए। अब ये तो झाड़ू वाले का आदमी है, दिल्ली वाले को मांग उनका आ रहा हो या दिले तो इतना आया, पैसा वारो आदमी है या दिक्कत हो जाए, ये हम तो सुनो भाई साहब, सबकी सामूहिक बात करेंगे, ये बात है किसानों की। देखो जो किसानों की सोचेगा वो किसान होने था। अब मोदी जी की कर्म इतने बढ़िया और बेचल रहे, बढ़िया समय चल रहा हो तो आज कोई टक्कर बना रहा हो, और किसान को तो कोई फायदा हुआ नहीं।